शहाबुद्दीन हमारी पार्टी में थे, हैं, हमारे दल से वो एमपी थे और हमारे उनकी पत्नी हमारे दल से चुनाव लड़ी हैं। नीतीश कुमार जी से पूछिए कि क्या शहाबुद्दीन साहब ने कहा था परिस्थिति के मुख्यमंत्री, तो परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं कि नहीं। तो अनंत सिंह के सामने नीतीश कुमार, सुशील मोदी हाथ जोड़ के खड़े रहते थे कि नहीं रहते थे दिन रात? नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। इसी बीच ये घमासान जो है, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, हम बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री बना दिए गए हो, भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बना दिए गए हो, लेकिन भाजपा जो है मुख्यमंत्री बनाने के बावजूद नीतीश कुमार के पास सिर्फ गृह विभाग है और उस पर भी लगातार सवाल उठाती रही है भाजपा। ये पहली बार है जब लोग ये देख रहे हैं, बिहार की जनता ये देख रही है कि नीतीश कुमार और जो पार्टी जो है सत्ता में है, यानी कि जो गठबंधन सत्ता में है, उसी के घटक दल आपस में पक्ष और विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, पक्ष विपक्ष का खेल खेल रहे हैं। भाजपा क्राइम पर लगातार नीतीश कुमार पर सवाल उठा रही है, लेकिन अन्य विभाग जो बात करें जो भाजपा के मंत्रियों के पास है, उस पर मौन हो जाती है। क्राइम पर लगातार सवाल उठा रही है। तो आपने देखा किस तरह से संजय जायसवाल ने, जो भाजपा के आपको प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो है इस पर आवाज़ उठाया था, उन्होंने इस पर सवाल की खड़ा किए थे। संजय सराफ की जो दरभंगा से विधायक हैं, उन्होंने भी इस पर पूरे मामले पर जो है सवाल खड़े किए थे। लेकिन अब जो है RJD भी क्राइम के मामले पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। लेकिन इस पूरे मामले में दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि RJD जब अभी जो है वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए एक तरफ अगर जो है किसी के समर्थन की बात करती है जो अपराध के मामले में सजा याफ्ता है, और वहीं दूसरी ओर बिहार में बढ़ रहे क्राइम के मामले पर सवाल करता है, तो ये दोनों बात जो हो जाती है हजम नहीं होती है। चलिए बात करते हैं हम पूरा मामला क्या है। दरअसल राजद के जो युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, युवा राजद के काजी सोहेब, उन्होंने जो हमारे संवाददाता हैं, हमारे वरिष्ठ रिपोर्टर हैं अभिषेक मिश्रा, उन्होंने उनसे बात करते हुए एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कह दिया कि शहाबुद्दीन साहेब हमारे पार्टी में थे, हैं और रहेंगे, और इसके लिए उन्होंने पीछे बात भी बताई कि वो फिलहाल मामले में सजा याफ्ता है, लेकिन उनकी पत्नी तो RJD से चुनाव लड़ रही है। लेकिन अगर कोई अपराधी है, अपराध के मामले में सजा याफ्ता है, वही मोहम्मद शहाबुद्दीन है जिनके जो बाहुबली हैं, जिनके नाम पर न जाने कितने हत्याओं का मुकदमा चल रहा है, जिन्होंने जो पत्रकार की हत्या का भी उन पर मुकदमा चल रहा है। इसके बाद बात करें बिहार के नवनियुक्त DGP हम SK सिंघल साहब की बात कर रहे हैं, जब वो 1996 में सिवान में जब आप वो SP के तौर पर वहाँ नियुक्त थे, तो उस पर अगर बात करें तो मोहम्मद शहाबुद्दीन ने हमला कराई थी, जिसके मामले में जो है इसी मामले में 2007 में विशेष अदालत ने उन्हें 10 साल की सजा भी सुनाई थी। फिलहाल तिहाड़ जेल में है, सजा याफ्ता है, अपराध के मामले में, हत्याओं के मामले में है, लेकिन जब RJD उसे उनका महिमा मंडन करती है, कहती है कि वो साहेब हैं, शहाबुद्दीन साहब उनकी पार्टी से हैं, पार्टी के हैं और पार्टी के ही रहेंगे, और दूसरी ओर RJD राजद जो है बिहार में नीतीश कुमार के क्राइम डाटा पर सवाल उठाती है, नीतीश कुमार के क्राइम के जो बिहार में बढ़ रहा है उस पर सवाल उठाती है, तो कहीं ना कहीं ये बातें द्विअर्थी हो जाती है, ये बातें एक साथ एडजस्ट नहीं होती है। तो इस मामले को समझें, इस पूरे अगर वाक्य को समझें, तो ऐसे में राजद के पास जब इस तरह की, राजद के जो बड़े नेता हैं, कदावर नेता इस तरह की बात करते हैं, तब राजद के पास अधिकार नहीं रह जाता है कि वो बिहार में जो अभी जो अगर बात करें क्राइम का डाटा है, क्राइम का जो माहौल है, उस पर जाकर के सवाल खड़ा करें। क्योंकि जब एक ओर आप अपराधी का समर्थन कर रहे हैं, उनका महिमामंडन कर रहे हैं, वही दूसरी ओर बात करें तो आप क्राइम पर भी सवाल उठा रहे हैं, तो दोनों साथ एक साथ कैसे चलेगा? आपको तो या तो इंसान को सही होना पड़ता है, या तो गलत होना पड़ता है, या तो आपको सही के साथ खड़ा होना पड़ता है, या तो गलत के साथ खड़ा होना पड़ता है, लेकिन RJD एक साथ दो नावों की सवारी कर रही है। और आपको भी पता है कि जब एक इंसान एक साथ दो नावों की सवारी करता है तो उसकी दिशा जो है वो कहाँ जाती है, उसकी दशा अंततः क्या होती है, ये भी पता है आपको। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से RJD जो है शहाबुद्दीन, जो मोहम्मद शहाबुद्दीन है, जो बाहुबली रहे हैं और जो फिलहाल सजा याफ्ता है अपराध के मामले में, उनका जो है महिमा मंडन करके RJD खुद को जो है कटघरे में खड़ा कर ली है। तो बने रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहता है। बिना मिलावट की खबरों के लिए लगे रहिए भारत लाइव के साथ। शेयर करना बिल्कुल निःशुल्क है, शेयर करके जो है इसको थोड़ा बमबमा दीजिए, हर जगह पहुँचा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।